नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आपको आज बताने वाला हूँ मैं स्नैपप्रिंट के बारे में। स्नैपप्रिंट के बारे में हम जानकारी लेंगे, स्नैपप्रिंट रियल है या फेक, अगर आप उससे ऑर्डर करते हैं तो क्या वो आपको मिलता है या नहीं मिलता है। और बहुत सारे कमेंट्स भी मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें, जैसा मैंने चेक भी किया है कि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसमें ऑर्डर नहीं प्लेस हो पा रहा है या ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर रिसीव नहीं होता है या पुराना मिल रहा है। तो उन सभी का जवाब मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपने बिना वीडियो को देखे अगर आपने स्नैपप्रिंट से ऑर्डर कर दिया तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए अब जान लेते हैं स्नैपप्रिंट के बारे में। मैंने आपको लास्ट जो भी वीडियोस आपको अपलोड की गई है उन सभी में आपको बताया गया है स्नैपप्रिंट कैसे वर्क करता है, क्या है स्नैपप्रिंट। बेसिक एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्नैपप्रिंट एक लोन कंपनी है जिसने खुद की एक वेबसाइट बनाई हुई है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, इस टाइप के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्लस खुद की भी वेबसाइट के अंदर खुद के बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। अब इसमें कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे तो वो स्नैपप्रिंट की वेबसाइट से परचेज कर लें या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम से कम प्राइस पे भी आपको ईएमआई प्रोवाइड हो जाती है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट था। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या इससे ऑर्डर करना एक सही ऑप्शन रहता है और क्या ये आपको सही प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस आपका कराता है, ऑर्डर की जानकारी आपको देता है या नहीं, क्या ऑर्डर अब तक पहुंचता भी है या नहीं, और अगर ऑर्डर में कोई गड़बड़ आ जाता है तो क्या रिप्लेस या रिटर्न या ऐसा कोई रिफंड का पॉलिसी है या नहीं, उन सभी का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, वरना फ्रॉड हो सकता है अगर आपने बिना वीडियो को देखे अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, मैंने पर्सनली जो इसका यूज़ किया है सो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको इन सभी के ऑर्डर आपको प्लेस मैंने आपको करके दिखाए हैं, परचेज किया है, मेरे पास प्रोडक्ट आए हैं, और अभी जो मैं ट्राईपॉड का यूज़ कर रहा हूँ ये भी स्नैपप्रिंट से ही मैंने परचेज किया हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट अभी तक मैंने परचेज किया सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी टाइप का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया है। मुझे कस्टमर केयर को कॉल करने की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे मैंने कमेंट्स चेक किए हैं उसमें मुझे जानकारी बताई गई है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब फ्रॉड कैसे हो रहा है ये पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आप कहाँ से आप ऑर्डर मैक्सिमम प्लेस कर रहे होंगे। दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब आप स्नैपप्रिंट मैंने यूज़ करी थी तो मुझे जो इसके अंदर प्रोडक्ट थे मैंने उसी प्रोडक्ट में से ज़्यादातर ऑर्डर किया था। तो मैंने एक सबसे पहला उसमें से शूज़ को ऑर्डर कर लिया था और वहाँ पर मेरे साथ ये दिक्कत आ गई थी कि वहाँ पर कोई ऑर्डर का ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलती है, पता नहीं चलता आपका ऑर्डर कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक पहुँचेगा, कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मैंने स्नैपप्रिंट से किया था। मैंने लास्ट की वीडियोस में भी आपको ये शेयर किया इन्फॉर्मेशन कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट से ही कीजिए या फिर मिंत्रा, तो ऐसे जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उससे कीजिए। इसमें क्या होता है, स्नैपप्रिंट तो आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, फिर सारा जो हेडेक है वो सारा का सारा हेडेक बन जाता है आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट या जो भी ये वेबसाइट के थ्रू आप परचेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी स्नैपप्रिंट की ही वेबसाइट से परचेस कर लेते हैं उस केसेस में आपको जो सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर मिलता है केवल आपको उसी पे कॉल करना है, उसी से जानकारी आपको मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर दिया, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आपको एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छी खासी लिमिट भी है उसके बाद भी डाउन पेमेंट आप पे कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है इसके अंदर। सेकेंड जो इसके अंदर इशू आता है, अगर आप स्नैपप्रिंट से ही ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपका ऑर्डर इस समय पर कहाँ है। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में चेक कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। अगर आपको किसी भी रीज़न से प्रोडक्ट गलत आ गया है तब क्या करें, कैंसिल करने रिटर्न करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं पर इसमें। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होता है, आपको बताना होगा ये टाइप का इशू आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो आपको उनकी ईमेल आईडी पर शेयर करना पड़ता है और उसके बाद जाकर फिर आपका वो प्रोडक्ट रिटर्न या प्लेस किया जाता है। जो भी उसका पॉलिसी है उसके अंतर में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट और पॉपुलर वेबसाइट से परचेज करिए। जब आप नीचे सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट का, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं, पर ध्यान रखिएगा जब आप एप्लीकेशन के अंदर ही इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसी एप्लीकेशन के अंदर अमेजोन फ्लिपकार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, उसी के अंदर आपको पहले अमेजोन अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखना आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट का अकाउंट उसी के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने जैसे पहले से इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन करने से क्या होता है जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहीं पर आपका प्लेस हो जाता है।
तो Amazon पर फिर प्लेस होगा या Flipkart पर प्लेस होगा, स्नैपमिंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपको EMI जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा दिक्कत आ गई है कि आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया था, आपको पुराना मिल गया है, या मोबाइल फ़ोन मिला ही नहीं है, या आपने डाउन पेमेंट कर दी अभी तक आपके ऑर्डर का कुछ कंफर्मेशन नहीं पता, तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है, आपको उसी पे कांटेक्ट करना होगा। तो उसका मैं आपको नीचे फ्लैश में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है, कुछ भी ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था स्नैपमिंट रियल है या फेक, इसके बारे में मैंने आपको आज जानकारी प्रोवाइड की है। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट आ रहा है, कोई इशू है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसकी जानकारी आपको शेयर करूंगा। और दोस्तों Amazon Flipkart से आप निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा सकता हूँ, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, पर्सनली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, और ये किसी भी टाइप का कोई भी पब्लिसिटी करने का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पस है कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है क्रेडिट कार्ड का तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये कन्फर्मेशन है, आप Amazon Flipkart से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीख जानकारी मिली होगी, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।